मोइन आपकी तरफ आता हूँ, क्या फखर जमान की अब ये एक और परफॉर्मेंस जो है, विल दिस नाउ बी वेइंग ऑन द थिंक टैंक्स माइंड फॉर द नेक्स्ट मैच? वुड दे बी थिंकिंग, बिकॉज इट पुट्स देम इन अ वेरी डिफिकल्ट पोजीशन एज वेल, कि अब क्या करना है, क्या हम डू वी कंटिन्यू विद फखर और डू वी देखिए जिस तरह फखर मैचेस नेचुरली ही इज अ मैच विनर, नो क्वेश्चन अबाउट इट, ठीक है बिल्कुल, बट करंट फॉर्म भी देखनी है आपने, यू नो आई थिंक आज जिस तरह भी वो आउट हुए प्रीवियसली भी, इस तरह हम जो अभी टेक्निकल बात कर रहे थे कि बहुत हाई लिफ्ट से खेल रहे हैं, मुश्किल होता है आपको इन फॉर्म आना इतनी हाई लिफ्ट के साथ, बिकॉज के आप जब भी गेंद स्विंग हो रहा हो, सीम हो रहा हो या टर्न हो रहा हो, यू नो थोड़ी सी बैक लिफ्ट को आपको कम करना पड़ता है और स्ट्राइक रोटेट करें, सिंगल्स लें, बहरहाल अब नहीं हो रहा। तो मेरा ख्याल है कि अभी नेक्स्ट मैच के लिए पाकिस्तान को इमीडिएट मेरे नज़र में चेंज करना चाहिए, रादर देन इट विल बी टू लेट कि हम दो तीन मैच और देख लें और फखर फिर रन ना करें और हम वो गलती बार बार दोहराते रहें। तो आई थिंक आपके पास बैकअप में अब्दुल्ला शफीक एक बेटर टेक्निकल मौजूद है प्लेयर, जो कि इन कंडीशंस में नए बॉल के साथ साउंड आपके एक ओपनिंग स्टैंड दे सकता है। बिफोर शेबी से समथिंग, अगर मैं पाकिस्तान के खिलाफ हूँ फॉर इंस्टेंस, मैच है मेरा हमारी टीम का या मैं उनका कोच हूँ जो भी हूँ, मुझे पता है कि दो लेफ्ट आर्मर्स हैं, दोनों इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं, थोड़ा बहुत कर रहे हैं, तो मैं तो शुरू ही ऑफ ब्रेक से करूँगा। हमने आज देखा उन्होंने ऑफ ब्रेक ने इनको तंग किया थोड़ा दोनों को, ऑल द विकेट बाद में थोड़ी बेहतर होगी थी, बट लाइक मिसबा ने भी समझाया है, मोइन ने भी यही है कि फखर को चाहिए कि थोड़ा टाइम गुजारे। देखो वी ऑल नो इज अ मैच विनर, ही कैन विन गेम ऑन इज ओन, करेक्ट, बट फॉर दैट ही हैज टू स्टे ऑन द क्रीज। जब तक क्रीज में रहेगा तो उसके रन्स के चांसेस बनेंगे, शुरू में शॉटें नहीं लगेंगी जब आप आउट ऑफ फॉर्म हो, आउट ऑफ टच हो। जी शेबी, यस शेबी, एज अ बैटर जब आप से रन्स ना बन रहे हो और एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई हो, नो डाउट ही इज अ मैच विनर, और उसमें मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा जो थिंक टैंक है उन पे चीज़ चली जाती है, वो उससे बात करें, आई एम श्योर की होगी, और उसे बोलें कि यार फखर हम एक दो मैचेस तो मैं रेस्ट करवाते हैं, तुम भी थोड़ा सा सोचो, ये हाई बैक लिफ्ट या टाइम ले लेना, जब आप रन्स नहीं बना रहे होते ना, आपको बताते सारे लोग हैं, बहुत अच्छी एडवाइस है, लेकिन आपका दिमाग सिर्फ एज अ बैटर उसी में चल रहा होता है कि नहीं मैंने रन्स कैसे बनाने, मैंने रन्स कैसे बनाने, तो वो बहुत बेहतर होता है कि जब आप एक दो मैचेस जो है आप रेस्ट कर लें, आपको भी सोचने का मौका मिलता है, और उससे मुझे लगता है कि जल्दी बंदा बाहर निकल आ सकता है। Great. So we wish Fakhar Zaman all the best, and we hope ke ye jitni jaldi rectify ho sake unki form wo ho jaye, all our prayers and best wishes for him.